युद्ध अब पहले की तरह मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में ही नहीं लड़े जाते। अब जंग का नया मैदान है साइबर स्पेस। यही वजह है कि दुनिया की मौजूदा ताकतें अपनी साइबर ताकत को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कोशिश का हिस्सा है हैकिंग आर्मी। वैसे तो कोई देश ये कहता नहीं कि हम हैकिंग आर्मी बना रहे हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश पिछले कई सालों से इस मोर्चे पर लगातार काम कर रहे हैं। तो इस बार दुनिया जहान में हम विशेषज्ञों की मदद से हैकर्स की खतरनाक और बेहद रहस्यमयी दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे और हमारा फोकस होगा ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर। Russian police has no idea in the 1990s how to... 1990 के दशक में रूसी पुलिस साइबर क्राइम से अनजान थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में कई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और मैथमेटिशियन बेरोजगार हो गए। रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने इंटरनेट की दुनिया को खंगाला। उस समय साइबर सिक्योरिटी को लेकर ना कोई संवेदनशीलता थी, ना ही कोई जानकारी। ये है रूस के खोजी पत्रकार आंद्रेई शोशनिकोव, हमारे पहले विशेषज्ञ। आंद्रेई शोशनिकोव बताते हैं कि हैकिंग का साम्राज्य रूस के हुनरमंद बेरोजगारों ने खड़ा किया, जो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और विदेशी सरकारों की वेबसाइट को निशाना बनाकर खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझते थे। उस दौर में रूस में हैकर्स नाम की एक पत्रिका भी छपा करती थी, जिसमें हैकर्स अपनी कामयाबी के किससे सुनाया करते थे। Hacker was one of the first magazines about the Russian hacking culture. Hackers उस दौर में अपनी तरह की पहली पत्रिका थी। रशियन हैकिंग कल्चर पर इसका बड़ा असर था। उस समय के नामी गिरामी हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स किसी न किसी रूप में इस पत्रिका से जुड़े हुए थे। रूस की खुफिया एजेंसी FSB को इन हैकर्स के बारे में मालूम था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रूस की सरकार को इन हैकर्स की करतूतों से कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो तो इन हैकर्स का फायदा उठाना चाहती थी। रूसी पत्रकार आंद्रेई शोशनिकोव बताते हैं कि FSB के चीफ निजी तौर पर कई रूसी हैकर्स को जानते थे। उनका दावा है कि रूसी सरकार के इशारे पर साल 2007 में रूसी हैकर्स ने पड़ोसी देश एस्टोनिया पर साइबर हमला करके उसकी सैकड़ों वेबसाइट को हैक किया था। Estonia says it's under cyber attack with its internet sites becoming jammed and disabled. इसके एक साल बाद ही रूसी हैकर्स ने एक और पड़ोसी देश जॉर्जिया पर एक बड़ा साइबर अटैक किया था। We experienced the first full-scale campaign of cyber warfare. लेकिन इस बार रूसी सरकार ने फ्रीलांस हैकर्स की मदद नहीं ली, बल्कि इस साइबर अटैक को रूस के सरकारी हैकर्स ने अंजाम दिया, जो दरअसल रूस की खुफिया एजेंसी के ही कर्मचारी थे। रूस की सीक्रेट सर्विस के अफसर जॉर्जिया की वेबसाइट्स को हैक कर रहे थे। रूस की सरकार को लगा कि वो फ्रीलांस हैकर्स पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इससे बेहतर तो ये होगा कि वो अपनी हैकर्स आर्मी तैयार करें, जो देश की सेवा करे। इसलिए सीक्रेट सर्विस के लोगों को हैकिंग का हुनर सिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख में रूस के पास बेहद ताकतवर साइबर सेना है। रूसी हैकर्स पर बीते अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। व्हाइट हाउस, नेटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। रूसी हैकर्स के साइबर अटैक में एक खास ग्रुप का नाम कई बार सामने आता है। इस ग्रुप का नाम है फैंसी बियर। माना जाता है कि हैकर्स के इस ग्रुप को रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती है। They are real secret service agents, and if you look at the list that was published, ये दरअसल रूसी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं। पिछले अमरीकी चुनाव में दखलंदाजी के सिलसिले में जब आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर म्यूलर की जांच रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें जिन 12 लोगों के नाम हैं, वो सब रूसी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं। फैंसी बियर के हैकर्स दरअसल ये बताने के लिए साइबर अटैक करते हैं कि हम साइबर एम्पायर के बेताज बादशाह हैं। 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियर्स ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, वो आज खूब फल फूल रहा है। लेकिन हैकिंग के इस खेल में रूस अकेला नहीं है। Very early in the morning. एक बार ऐसा हुआ कि जब मुझे लगा कि मैं हैकिंग का शिकार बन रहा हूँ। सुबह का वक्त था, यही कोई 6 बज रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को फोन लगाया जो गूगल में टॉप सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं।
उन्होंने बताया कि हाँ, कोई है जो तुम्हारे अकाउंट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। ये है हमारे दूसरे विशेषज्ञ करीम साजापुर, जो अमरीकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट में ईरान मामलों के जानकार हैं। करीम हैकिंग का शिकार हो चुके हैं, उनकी शक की सुई ईरान की ओर घूमती है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि ईरान हैकिंग की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है, जिसने 1990 के दशक में इंटरनेट आने के साथ ही अपने लोगों को साइबर हमलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान में बहुत शुरुआत में ही इस बात को बेहतर तरीके से समझा गया कि सूचनाओं पर नियंत्रण में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, खासतौर पर वहाँ जहाँ तानाशाह रवैया है। इस बात को भी समझा गया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से सिविल सोसाइटी मजबूत होगी। साल 2009 में ईरान में जब ग्रीन मूवमेंट हुआ, ईरान ने प्रदर्शन का दमन करने के लिए बल प्रयोग के साथ हैकर्स की भी मदद ली। प्रदर्शनकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल्स को हैक किया गया, उन्हें धमकाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। ये पहला मौका था जब ईरान ने साबित किया कि इंटरनेट सरकारों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। ईरान में ये लड़ाई आज भी जारी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें सरकार अपना दुश्मन मानती है, और दूसरी तरफ साइबर आर्मी, जिसकी कमान ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथ में है। When Iran first started to flex its muscles in the साइबर स्पेस में ईरान ने जब अपनी ताकत दिखानी शुरू की और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स को निशाना बनाया, तब वो अपने आप को ईरान की साइबर आर्मी कहने लगे। ईरान की शिक्षा प्रणाली एक से बढ़कर एक इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर अमरीका और यूरोप चले जाते हैं। जो ईरान में रह जाते हैं, उन्हें साइबर आर्मी का हिस्सा बना लिया जाता है। वो या तो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ मिलकर काम करते हैं, या फ्रीलांस हैकर्स के तौर पर ईरान के हैकिंग ऑपरेशंस में अपना योगदान देते हैं। So, Iran is really a third tier cyber power with... ईरान को तीसरे दर्जे का साइबर पावर कहा जा सकता है। साइबर पावर के मामले में अमेरिका, रूस, चीन और इसराइल पहले पायदान पर कहे जाएंगे। यूरोपीय देशों की साइबर सेनाओं का नंबर उनके बाद आता है। ईरान के लिए साइबर वॉर दो धारी तलवार है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल उसे साइबर वॉर का निशाना बनाते रहते हैं, दूसरी ओर ईरान पलटवार करता रहता है। इस लड़ाई ने ईरान को साइबर स्पेस के मामले में बहुत कुछ सिखा दिया है। उदाहरण के लिए साल 2012 में ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पर साइबर अटैक हुआ और उनके सिस्टम्स की हार्ड ड्राइव से डेटा उड़ा दिया गया। ईरान ने इस हमले से सबक सीख कर 3 महीने बाद हूबहू इसी तरह का हमला सऊदी अरब पर किया और लगभग 30,000 कंप्यूटर्स का डेटा सऊदी अरब के हाथ से निकल गया। इस तरह के साइबर अटैक होते रहते हैं, कभी ये सामने आ जाते हैं और कभी इन पर चुप्पी साध ली जाती है। Is like China or Russia, we know very, very, very little about North Korea. चीन और रूस जैसे देशों के मुकाबले उत्तर कोरिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो एक बात पक्के तौर पर जानते हैं वो ये है कि उत्तर कोरिया के साइबर ऑपरेशन के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी RGB का हाथ होता है। ये है हमारी तीसरी विशेषज्ञ प्रिसिला मौर्यो जी, जो रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी में साइबर हैकिंग मामलों की जानकार है। इससे पहले कई वर्षों तक उन्होंने US इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम किया, जहां उत्तर कोरिया पर उनकी पैनी नजर होती थी। They created a system in the late 90s and that's continued through today for 1990 के दशक में उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो आज भी काम कर रहा है। इसमें 13 से 14 साल की उम्र में बच्चों में मैथ्स और इंजीनियरिंग का हुनर देखा जाता है और फिर उन्हें एक खास स्कूल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनके हुनर को और अधिक निखारा जाता है। इसके बाद ये बच्चे 2 खास यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, जहां से वो या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर निकलते हैं या फिर उत्तर कोरिया की साइबर आर्मी में शामिल हो जाते हैं। In the early days of the North Korean cyber training program, North Koreans didn't really have access to... शुरुआती दिनों में उत्तर कोरिया में साइबर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से था कि कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं होने पर बच्चे पहले कागज पर कीबोर्ड बनाकर सीखते थे, फिर उन्हें असली कीबोर्ड पर हाथ रखने का मौका मिलता था।
इसके बाद उत्तर कोरिया अपने बेस्ट स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई के लिए चीन या एशिया के बाकी देशों में भेजता है ताकि उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग मिल सके। इनमें से कई छात्र पढ़ाई पूरी करके चीन या दूसरे देशों में ही रुक जाते हैं और वहीं से अपने देश के लिए हैकिंग को अंजाम देते हैं। ऐसा करके वो अपने देश को पैसा भेजते हैं। प्रिसेला मोरियुची का दावा है कि उत्तर कोरिया की साइबर आर्मी में शामिल नौजवानों को वॉरियर्स की तरह देखा जाता है। समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा होती है। उनकी संख्या कितनी है ये जानना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उत्तर कोरिया के साइबर वॉरियर्स की तादाद 2000 से 3000 के आसपास हो सकती है। So, their first goal is kind of level the playing field on the internet because it's a field in which they can compete. इस तरह उत्तर कोरिया साइबर वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। साइबर हैकिंग के जरिए वो अपने खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबंधों की भरपाई भी करता है। न्यूक्लियर ऑपरेशन की तरह उत्तर कोरिया साइबर हैकिंग के जरिए दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि इस मैदान में हम भी हैं, हमें हल्के में लेकर नजरअंदाज मत करना। उत्तर कोरिया के तेज तर्रार हैकर्स ने दुनिया के कई बड़े बैंकों पर साइबर हमले किए हैं और उन्हें करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। सुराग खोज निकालना इतना मुश्किल भी नहीं होता। हर अपराधी अपने पीछे कोई सुराग छोड़ कर जाता है। मैं जब किसी केस को सॉल्व कर लेती हूँ तो खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं इस प्रोफेशन को बहुत प्यार करती हूँ। ये है हमारी चौथी और आखिरी विशेषज्ञ माया होरोविट्स, जो इसराइल में सिक्योरिटी कंपनी चेक पॉइंट में साइबर स्पेशलिस्ट है। So usually the techie or the nerd who actually writes. आम तौर पर साइबर हमलों के पीछे आईटी प्रोफेशनल्स ही होते हैं। ये तीन चार लोगों की टीम बनाकर काम करते हैं। एक टारगेट खोजता है तो दूसरा सेंध लगाता है और तीसरा टारगेट के अकाउंट पर हाथ साफ करता है। इस काम को किसी ऑपरेशन की तरह बहुत सावधानी से अंजाम दिया जाता है। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठकर एक दूसरे से बेहद दूर होते हुए भी साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को निकनेम से जानते हैं। माया बताती हैं कि अक्सर हैकर्स टेलीग्राम नाम के सोशल मैसेजिंग ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। टेलीग्राम इनक्रिप्टेड मैसेज सर्विस है जो अपराधियों और चरमपंथियों के बीच खासी लोकप्रिय है। साइबर क्रिमिनल्स अपने काम में एक दूसरे की मदद लेते रहते हैं। वो एक दूसरे को कोड या सॉफ्टवेयर बेचकर भी पैसा कमाते हैं। साइबर क्राइम अब पूरी तरह से एक कारोबार जैसा हो गया है। जैसा कि हर बिजनेस में होता है, धंधे को बढ़ाने के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। हैकर्स की दुनिया में भी नित नए तरीके खोजे और आजमाए जा रहे हैं। Today, the trend is to use cryptocurrency miners. आज जो ट्रेंड है उसमें क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिप्टोकरेंसी एक तरह की वर्चुअल मनी है। साइबर दुनिया के अपराधी इन दिनों बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी को निशाना बना रहे हैं। वर्चुअल करेंसी को कैश से एक्सचेंज किया जा सकता है। हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स जब किसी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर अटैक करते हैं तो हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। बस कई बार ये जरूर होता है कि हमारे लैपटॉप या मोबाइल फोन बहुत अधिक गर्म होने लगते हैं। इसकी वजह से बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। For example, in Iceland, more electricity is being spent on crypto. उदाहरण के लिए आइसलैंड में यही होता है। वहाँ क्रिप्टो माइनिंग में यानी कि ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा बिजली की खपत होती है। हालांकि आइसलैंड में ये काम डेवलपर्स करते हैं और उनका काम लीगल होता है। आम जिंदगी में हमें ये सुनने को नहीं मिलता कि चोरों के घर में चोरी हो गई, लेकिन साइबर वर्ल्ड में ऐसा होता है। एक देश के हैकर्स दूसरे देश के हैकर्स को निशाना बनाकर उनकी जानकारियां चुरा लेते हैं। अपनी गोपनीय जानकारी को चोरी होने से बचाने के लिए दुनिया के तमाम देश साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को रक्षा पंक्ति में सबसे आगे रखते हैं। जिस तरह से भाड़े के सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीते जाते, उसी तरह सिर्फ फ्रीलांस हैकर्स की मदद से कोई देश साइबर स्पेस में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देश पेशेवर साइबर एक्सपर्ट्स को अपनी आर्मी का हिस्सा बना।